शुरुआत में जब शूट होना शुरू हुआ था तो बहुत डर था कि कोरोना फैला हुआ है, तो मतलब हर चीज़ बहुत ध्यान से की जा रही थी। इवन मैंने शुरू में शूट किया था बासमती राइस का, तो उसमें मुझे खिचड़ी खानी थी, तो वो स्पून भी मैं सैनिटाइज करवा के और क्लीन करवा के फिर हम स्टूडियो में माइक का मतलब सैनिटाइज कर रहे थे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हेडफोन पहनने से पहले उसको सैनिटाइज किया, माइक में उतना क्लियर नहीं कर सकते थे क्योंकि खराब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक है, तो जितने भी वो स्टैंड होता था उसको सैनिटाइज कर रहे थे। इस तरह से किया है, हम सब ने किया आई थिंक। बहुत बहुत मतलब हालत ख़राब थी कि भाई अगर मैंने ये मतलब खीर खा ली तो घर जाके मेरी मतलब वो हालत ना ख़राब हो जाए, बीमार ना पड़ जाऊँ। तो वो शुरुआत में 2-3, 4-5 शूट तक था, उसके बाद तो किसी के मास्क थे ही नहीं, सब ऐसे भाग रहे हैं वहाँ से वहाँ। तो वो अभी डर ख़त्म हो गया है, मतलब कोरोना तो अभी है ही, हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन हाँ अभी जो पहले वाला डर था वो थोड़ा कम हो गया। और जब जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मतलब एज एन एक्टर कुछ ना कुछ शूट करता रहूँ और कुछ ऐसा ना हो कि लॉकडाउन ख़त्म हो और पता लगा शूट मिला और इतना घबराया हूँ, एक्टिंग भी हो रही। तो वो प्रैक्टिस 8-9 महीने जितना भी लॉकडाउन था चालू थी। तो जब ऑन सेट आया तो लगा ही नहीं कि सेट से दूर था, क्योंकि घर में भी एक सेट ही बना लिया था हमने शूट कर करके, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। मैं मतलब जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा कि यार मतलब ये गाना छोड़ना ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, एक्टर को डर लगता है कि अच्छा मैं इसमें मतलब बागेन करूं ये नहीं करूं, अगर पता लगा मैंने मतलब जो मैंने बोला और पता लगा गाना हाथ से निकल गया, किसी और एक्टर को मिल गया। तो मुझे था कि भाई मुझे ये सॉन्ग करना है, आपका जो मन कर रहा है करना है करो, मुझे बुला लो। और लकीली जब जैसे ही सॉन्ग शूट शुरू हुआ तो फाइनली मुझे लगा कि हाँ ये गाना मैं ही कर रहा हूँ। और मैं सर को मतलब मैंने SMS भी किया था इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा पता नहीं कि सर मैं आपका सॉन्ग शूट कर रहा हूँ। तो ये मतलब बड़ा ही अच्छा फील आता है जब आप अच्छा गाना करते हो, और मैं होप करूँगा कि आप सब लोग जो भी यहाँ पे सब आए हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गाने को प्रमोट करो, क्योंकि मैं देखता हूँ आए दिन कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल से नहीं लिखे होते और दिल से नहीं गाए होते, भी बहुत बड़े हिट होते हैं, अच्छी बात है होने चाहिए, बट जो दिल वाले गाने हैं वो भी उसको भी अच्छी रीच मिले तो मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मुझे पहले लगा कि मतलब शायद सिंगर हैं तो शायद फर्स्ट टाइम एक्टिंग करेंगे तो कैसा होगा, मतलब इमोशन कैसे आएंगे, बट दैट्स व्हाट मतलब कमाल, मतलब आपने धो दिया। कितना अच्छा एक्ट किया है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिस इज माय फर्स्ट डुअल ट्रैक, और मैंने इससे पहले जितने भी सारे किए वो धूम धड़ाका जिसको कहते हैं वो किए, सो दिस इज माय फर्स्ट सैड सॉन्ग जिसके अंदर आशीष थे। सो मैं जब की स्टार्ट हुई इसकी शूट, सो आपको लाइक कि ठीक है कैसा होगा, बहुत नॉर्मल सा होगा, बट जब मैंने आशीष की डेडिकेशन देखी इसके अंदर कि यू नो ही वाज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, और ये बिल्कुल साइड से, और मैं इनके पास गई भी पूछने के लिए कि क्या हुआ, आई मीन व्हाई यू नो साइड पे आप ऐसे क्यों, तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं उसी जोन में रहना चाहता हूँ, विच वाज और यू नो वेरी न्यू एक्सपीरियंस, और बहुत ही मेरे को बहुत अजीब लगा क्योंकि मी बीइंग अ सिंगर मैं ऐसे करके सोचती कि पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्ट किया, मुझे ऐसा बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक है यार एक्टिंग हो जाती है, बट अब जब मैंने खुद इसको किया तो यू नो आई फेल कि कितनी डिफिकल्ट है, और एक एक इमोशन और एक एक आपको मतलब उस जोन के आसपास रहना चाहिए। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद आशीष, इट वाज अमेजिंग। सिंगिंग तो ऑलवेज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेगी, बट अब मैंने जैसे एक्टिंग किया तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक था जब हमारा एक सीन है जिसके अंदर आशीष आई एम जस्ट स्टैंडिंग इट्स स्टिल, मेरे को ऐसे शो किया कि जिसमें मैं ब्लाइंड हूँ और आशीष वहाँ से चल के आते हैं रोते हुए, तो बहुत सीरियस सीक्वेंस चल रहा था, आशीष वहाँ से रोते हुए आ रहे हैं, एंड जैसे ही वो मेरे सामने आके रोते हैं आई जस्ट बर्स्ट आउट मैं हंसने लग जाती हूँ। उसके बाद डायरेक्टर जी पीछे से बोलते हैं कट, तो इस पर्टिकुलर सीन में हंस हंस के पावर।
ये सॉन्ग सबको ये सॉन्ग बहुत पसंद आया, सबने बोला कि काश ये सॉन्ग में हम होते। मैंने कहा नहीं यार, मतलब पता है ये एक अच्छी चीज़ है कि गाना रिलीज होने से पहले, मतलब शूट होने से पहले किसी को मत सुनाओ, नहीं तो पूरी जान लगा सकता है कि वो सेटिंग करके मुझे निकलवा के खुद हो जाए। तो मैंने बाद में सुनाया, अभी आने के बाद तो सबको बहुत अच्छा लगा, सब आने वाले हैं थोड़ी देर में और आप सब लोग देखोगे उनके रिएक्शन कैसे होंगे, बहुत खुश हैं। कुछ कुछ लोग रो भी रहे जिनका ब्रेकअप हो चुका है, मोस्टली खुश हैं। आई वुड लाइक टू कॉल रबी जी ऑन दिस।